हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम फेस के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जो कि आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि फेस का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाई थी, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था। तो उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। अब मुझे थोड़ी, जो मैं अपग्रेड हुआ हूँ फेस, मैंने काफ़ी फेसेस ड्रॉ किए हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो अपग्रेड हुआ हूँ, मैंने वीडियोज़ देखे हैं यूट्यूब पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ बेसिक बताऊँगा फेस के लिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आपकी जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सही हो सकता है, फेस की मेजरमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट इससे आपकी जो ड्राइंग है वो इम्प्रूव नहीं होगी कभी भी, क्योंकि उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हर फेस का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो में मैं ओनली बेसिक फेस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी। सो गाइस, सबसे पहले मैं थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ फेस को। जो फेस होता है वो हमारा थ्री पार्ट्स में बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो किस तरह से होता है वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो मैं 5-5 सेंटीमीटर के तीन पार्ट बिल्कुल इक्वल यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैं तीनों पार्ट्स में लाइन लगा देता हूँ। जो सबसे नीचे वाला पार्ट है उसमें हमारा आएगा चिन से नोज टिप तक, और जो बीच वाला पार्ट है उसमें आएगा हमारा नोज टिप से आईब्रोज तक, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है उसमें आएगा आईब्रोज से टॉप ऑफ स्कल। तो ये मैंने तीन पार्ट डिवाइड कर दिए हैं 5-5 सेंटीमीटर पे। अब बात करते हैं आईज़ की। तो आईज़ आएंगी, जो हमारा हमने एक पार्ट लिया, जैसे कि 5 सेंटीमीटर लिया है, तो आपने उसका आधा करना है, जैसे कि ढाई, तो 2.5 सेंटीमीटर पे हम एक आई ड्रॉ करेंगे, उसका आधा होगा। आपने अपने अकॉर्डिंग जिस साइज़ के भी तीनों पार्ट लिए हैं उसका आधा करना है। तो मैंने 5 का लिया था, तो अब मैं 2.5 पे एक आई ड्रॉ करूँगा, और जो दो आईज़ होती हैं उनके बीच में एक आई का डिफरेंस होता है। तो मैं ऐसे ही 2.5 और 2.5 पे तीन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, क्योंकि बीच में तो एक डिफरेंस होगा 2.5 का, जो कि दो आई के बीच में होता है। तो अब मैं पहली आई ड्रॉ करता हूँ, जो भी मैंने 2.5 का डिस्टेंस लिया है। इसको कंप्लीट ड्रॉ करने में मुझे अराउंड 30 मिनट लगे थे। सो ये लेफ्ट आई तो ड्रॉ हो चुकी है, अब राइट आई ड्रॉ करेंगे। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो एक आई का होगा, जो कि मैंने 2.5 सेंटीमीटर का लिया है। अब नोज़ ड्रॉ करने के लिए जो आई का ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, आपने इस पर सीधी लाइन लगानी है, और ये हमारा यहाँ पे नोज़ टिप बनेगी। नोज़ की जो शेप है वो सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट मैं आपको बेसिक सी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। बस आपने ये ध्यान रखना है, जो नोज़ टिप होती है वो बीच वाले बॉक्स में ही आएगा, बिल्कुल नीचे। और आईब्रोज आएंगे यहाँ पे आईज़ के ऊपर, तो जिस तरह से आएंगे, इनका जो शेप है वो भी अलग अलग होता है। किसी के हेयर कम होते हैं, किसी के हेयर ज़्यादा होते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग होता है, उसकी एंगल के अकॉर्डिंग होता है। नोज़ के नीचे वाले पार्ट में थोड़ी यहाँ पे डेप्थ होती है, और उसके नीचे हमारे लिप्स होते हैं। लिप्स का कॉर्नर आपको इस तरह से देखना है, जो आयरिस है उसके बीच वाले सेंटर से आपने लाइन लगानी है इस तरह से, तो वहीं पे हमारे जो लिप्स हैं उनका कॉर्नर ख़त्म होगा। और जो ये वाला पार्ट है लिप्स के नीचे वाले लिप्स में, तो यहाँ पे डेप्थ होती है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। अभी साइड में जो लाइन लगानी है हमने फेस वाली, उसका भी जो मेजरमेंट है वो एक ही आई के बराबर होगा या फिर उससे थोड़ा कम होगा। हर किसी का जो फेस है उसका जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली होगा। बाकी मैं आपको बेसिक सा करके दिखा रहा हूँ। और नीचे के लिए मैंने जो लाइन लगाई है उसमें हमारी चिन ड्रॉ होगी, और जो ईयर है वो आईब्रोज और नोज टिप के बीच में होगा। अब दूसरी साइड भी मैं सेम मेथड का यूज करूंगा, एक आई के डिस्टेंस पे मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा। जो हेयर स्टाइल है वो आप अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट में आएगा, लेकिन फेस ये फ्लैट तो होगा नहीं, तो ये 3D में होगा फेस, तो उसके लिए मुझे इसमें शेडिंग भी करनी पड़ेगी फेस पे कट लाने के लिए। सो मैंने बेसिक तो कंप्लीट कर लिया है मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके, और इसमें मैंने कार्ट्रिज शीट का यूज़ किया था, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। आप भी इस तरह से कार्ट्रिज शीट के ऊपर काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो अब मैं इसमें थोड़ी डेप्थ वाले एरियाज में शेडिंग करूँगा। इसकी मेरे पास कोई रेफरेंस फोटोग्राफ नहीं है, इसको मैं अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इसमें मैं लेफ्ट साइड में डार्क करूँगा क्योंकि वहाँ पर शेडो होगी, तो मैं इसमें ऐसे करूँगा कि राइट साइड से लाइट आ रही है। सो गाइज ये है कंप्लीट शेडिंग जो कि मैंने 6B पेंसिल का यूज करके शेड की। सो गाइज ये होता है बेसिक ऑफ ह्यूमन फेस जो कि मैंने आपको बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप इसको अगर 5-6 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये इजीली आ जाएगा, आप खुद बिना देखे भी ड्रॉ कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया फ्रॉम चिन टू नोज टिप एक पार्ट होता है, फ्रॉम नोज टिप टू आईब्रोज, फ्रॉम आईब्रोज टू टॉप ऑफ स्कल, तो ये 3 पार्ट होते हैं। और जो ईयर होता है वो ईयर आईब्रोज और नोज टिप के बीच में आता है जैसे कि ये, और जो आईज हैं आईज के बीच में, 2 आईज के बीच में 1 आईज का डिफरेंस होता है। और लिप्स भी मैंने आपको बताया किस तरह से ड्रॉ करने हैं, और नोज सबकी डिफरेंट होती है, जैसे कि मेरी लंबी नोज है तो इस डिफरेंस होती है, तो जैसी होगी उसके हिसाब से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये आपको खुद प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आएगा, जितनी आप मेजरमेंट करोगे, मेजरमेंट की प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको तभी आएगा। बाकी बेसिक मैंने आपको बता दिया जो कि सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक बिगिनर तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए बेसिक की। अगर आपने मुझे अपनी कोई ड्राइंग दिखाने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से मेरा अकाउंट है, तो इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना। विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।